बीबीएन गत्ता उद्योग संघ की बैठक बद्दी के किशनपुरा में संपन्न हुई। बैठक में संगठन की कार्यप्रणाली पर विस्तार से चर्चा के बाद अध्यक्ष हेमराज चौधरी ने वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत कर सभी सदस्यों को कार्रवाई के प्रति अवगत करवाया। बैठक में गत्ता उद्योग संघ ने 60 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। इसके पश्चात गत्ता उद्योग संघ के वरिष्ठ एवं पूर्व प्रशासनिक अधिकारी बीआर वर्मा की देखरेख में चुनाव करवाए गए, जिसमें सत्य पैकेजिंग के एमडी हेमराज चौधरी को दूसरी बार सर्वसम्मति से बीबीएन इकाई का प्रधान चुना गया, जबकि वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुशील सिंगला, तेजेंद्र बंसल व पंकज मित्तल को उपाध्यक्ष चुना गया। अशोक राणा को महासचिव, नवीन वत्स को संयुक्त सचिव, विकास सांगला को वित्त सचिव, बलराम अग्रवाल को प्रेस सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। हेमराज चौधरी ने उपस्थित सदस्यों को विश्वास दिलाया कि जिस तरह से उन्होंने उद्योगों की दिक्कतों को दूर करने का भरपूर प्रयास किया है और आगे भी वे जारी रखेंगे। उनसे लगातार पहले भी रिक्वेस्ट करते रहे हैं, क्योंकि जो हमारा जो मटेरियल होता है फ्लावरी मटेरियल होता है, अगर एज कम फार्मा से या और इंडस्ट्री से कंपेयर करें, क्योंकि उनका जो एक गाड़ी का लोड है 20 लाख का है, उनका भी सेम ग्रह है, और हमारा जो फ्लावरी माल होने के कारण हमारा तो 9 टन भी नहीं हो पाता, और 4-5 टन है हमें किराया जो देना पड़ता है 9 टन का देना पड़ता है, और हमारा 1.5 लाख का अगर माल बाहर जा रहा है तो हमें कम से कम 40-50 हजार रुपया तो हमारा किराए में निकल जाता है। तो इसके लिए भी हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से यार और लोकल यूनियन से भी है कि इसमें हमें कुछ ना कुछ रिबेट दी जाए। इसमें ऐसा है कि हमारे बीबीएनपीए में 120 के करीब हमारे कॉरपोरेटर उद्योग है, जिसमें और इसमें सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो इन कॉरपोरेटर ने दे रखी है, और आने वाले टाइम में जैसे कि हमारी डिमांड्स है हम इनके फिर, क्योंकि ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लगातार लॉस में जा रही है, और बीच में 6 महीने में वो भी रेट बढ़ जाते हैं, और हमें जो एंड कस्टमर है वो रेट इतने मिल नहीं पाते, और हम इसको एसोसिएशन लेवल पे हमारे जितने कॉरपोरेटर भाई घाटे में चल रहे हैं उनके बेनिफिट के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से भी कि हमें कुछ ना कुछ, जैसे हमने ज़्यादा दे रखे हैं, हमें कुछ ना कुछ जीएसटी में हमें रिबेट मिलनी चाहिए स्टेट की तरफ से, और जो यहाँ पे पेपर मिल्स है वो बहुत ज़्यादा वो कम है, हमारा जो मैक्सिमम क्वालिटी पेपर है वो यूपी और अदर स्टेट से आता है, तो हमारी भी एक कोशिश है गवर्नमेंट से कि इसमें वो करके हमारी हेल्प की जाएगी जो हमें लोकल